हेलो एवरीवन, और आज है 29 अक्टूबर और वेलकम बैक टू अर्पित ब्लॉग। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के ब्लॉग में, हिंदी में भी। और आज है वीकेंड, सैटरडे है, तो आज ऑफिस तो है नहीं, तो निकलते हैं कहीं और दिखाते हैं आप लोग को। कुछ होता है तो होता क्या है, मतलब कहीं निकलेंगे आप लोगों को, कुछ दिखाएंगे बाहर का, कुछ फेमस प्लेस अगर निकलते हैं। अभी नहीं बता सकते कहाँ जा सकते हैं, कुछ सरप्राइज है। वीडियो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए आप लोग वीडियो। और दिवाली सेलिब्रेशन का वीडियो आप लोगों ने देखा ही, अगर आज शुरुआत में बोल देता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो टू लाइक सब्सक्राइब, रेड वाला बटन दबा दीजिएगा पक्का, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप लोग को मिलती रहे। तो एक ही बार मैं कहीं निकलता हूँ, तैयार वैर होता हूँ, फिर जाता हूँ, तो फिर वहीं से वीडियो कंटिन्यू करूंगा, आप लोग को दिखाता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं, ब्रेक लीजिए। दूर से जो दिख रहा है वो गोरखनाथ का मेन गेट है, जहाँ से एंट्री होती है। और आगे देखिए, ये है गोरखनाथ का पार्किंग एरिया जहाँ पे आप आएंगे। पहले ये रास्ता हुआ करता था, बट अब बंद होके ये रास्ता हो गया है। ये गोरखपुर का पार्किंग एरिया पूरा पूरा, और यहाँ पे सारे स्टॉल लगे हैं बाहर के, आप लोगों को दिख रहा होगा ये पूरा एरिया दुकानों का जो दूर दूर तक दिख रही है। और ये रास्ता पहले हुआ करता था, बंद हो गया। जब से CM बने हैं ना, एक घटना हो गई थी, कोई चाकू लेके मंदिर में घुस गया था ये घुटने वजह से, तब से बंद हो गया है। यहाँ पे बाइक की पार्किंग होती है पूरी पूरी, यहाँ पे आई बाइक और कार की पार्किंग अगर करनी है तो यहीं से आगे से रास्ता बना हुआ है, उस साइड कार की पार्किंग। पीछे देख रहे हैं आप, मैंने बताया ये पार्किंग का एरिया है। चलिए आगे दिखाते हैं और कुछ जो होता है। कितने दिन बाद आए हैं आप? ये मेन एंट्री गेट है गोरखनाथ का, जहाँ से एंट्री करते हैं। और ये बगल में स्वीट शॉप और लड्डू वड्डू, कोई प्रसाद लेना हो इसके लिए। यहाँ पे पहले से काफ़ी ज़्यादा टूट फूट के बन गया है। मैं भी काफ़ी दिन बाद आ रहा हूँ गोरखपुर में रहते हुए भी, दिखाते हैं। चलिए आगे, ये CM आवास का अंदर जाने का, मतलब मंदिर में जाने का ये प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार। जो मेरे सामने दिख रहा है वो गोरखनाथ मंदिर है, मेन मंदिर। और ये बगल में तालाब, ये है वॉकिंग एरिया उधर से निकलने के लिए। मेरे पीछे जो दिख रहा है वो गोरखनाथ मंदिर है, मेन गोरखनाथ मंदिर मेरे पीछे जो दिख रहा है आप लोग को व्हाइट कलर में। थोड़ा धूप है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कैमरे में पीछे क्या दिख रहा है, बट पीछे गोरखनाथ मंदिर है मेरे एकदम जस्ट पीछे। चलिए दिखाते हैं अंदर से आप लोग, अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, बट जहाँ तक होगा तब तक दिखाते हैं आप लोग, कुछ बने रही है। ये बाहर से गोरखनाथ मंदिर का कुछ व्यू ऐसा है। ये मेन गोरखनाथ मंदिर टेम्पल यहीं पर, मेन गोरखनाथ मंदिर है, उसके जस्ट पीछे योगी जी का आवास है। और ये हनुमान मंदिर है छोटा सा, इधर भी मंदिर है एक, ये मेन मंदिर है, बट एंट्री करने का अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो यहाँ तक ले चलते हैं गेट तक, फिर आप लोग को और दिखाएंगे। और यहाँ पे आने पे ये जूता चप्पल रखने का, जमा करने का, यहाँ पे आइए अपना स्लीपर निकाल सकते हैं। और पीछे ये पूरा व्यू, और यहाँ आने पे यहाँ पे सूज वो जमा कर सकते हैं, चप्पल उप्पल निकाल सकते हैं, यहाँ पे मंदिर के सामने नहीं, यहाँ पे जमा कर सकते हैं, टोकन ले मिलता है यहाँ पे चप्पल जमा करने के बाद। और एक ही न्यू मंदिर भी बन रहा है अभी यहाँ पे, अभी जल्दी से पहले नहीं था, अभी बनना शुरू हुआ ये काम, पहले टेम्पल था बट बना नहीं था उतना। और ये पूरा मेन मंदिर का व्यू, चलिए दिखाते हैं अंदर।
और आप लोग जो मैं पीछे देख रहे हैं वो गोरखनाथ मंदिर है, बट अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था तो थोड़ा मोटा पिक लिया है। मेन मंदिर का पिक नहीं ले पाए क्योंकि अंदर फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है। तो दिखाते पीछे, पीछे ही मंदिर है, गोरखनाथ परिसर का ही है सारा मंदिर। इसमें और सारी छोटे छोटे मंदिर हैं और इधर पीछे भी है, पूरा एरिया है। दिखाते हैं आप लोग को और जल के, तब तक लिए चलते हैं, मिलते हैं आगे चलते हैं। जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं वो पूरा महंत लोग हैं, गोरखनाथ मंदिर में जो लोग बैठते थे सारे महंत लोग का वो है स्टैचू बना हुआ है। जो जो महंत रहे हैं, ऋषि रहे हैं, जितने लोग के सब सारा यहाँ पे बना हुआ है, उनका जो चित्र होता है वो बना हुआ है, हैंडमेड है सारा। और ये यहाँ पे जनसभा स्थल है, योगी कहते हैं, तो अंदर का जो मंदिर का जनसभा होता है यहीं पर होता है अंदर ही। इसमें यहाँ पे जनसभा होता है योगी जी का, कहीं भी कहीं से आते हैं तो गोरखनाथ का कोई भी जनसभा या कोई मीटिंग होती है तो यहीं पे होती है सारे लोग के साथ में। यहाँ पे ये स्थल बना हुआ है अंदर पूरा, यहाँ भी सारे महंतों और ऋषियों का वो है चित्रकला। चित्रकला क्या कहते हैं, मूर्ति कह सकते हैं एक तरह से। ये बहुत बड़ा जनसभा स्थल है पूरा, देखिए चलिए। और कुछ दिखाने का होता है आप लोग को तो दिखाते हैं, तब तक बने रहिए वीडियो में। ये जन्म स्थल ही है और वीडियो एंजॉय करिए, टाइम लेप्स लगाया है क्योंकि यहाँ पे लाओ नहीं वीडियो बना, धीरे धीरे बना रहा हूँ। फिर दिखाते हैं आप लोग को कुछ और होता है बाहर चल के। ये हवन कुंड है, यहाँ पे हवन वन होता है अखंड धूप। चलते हैं घर की तरफ फिर, और अंदर दिखा दिया है मैंने। इवनिंग टाइम पे और मज़ा आता है, थोड़ा सा अभी धूप है तो बहुत सारी भीड़ नहीं है, बट इवनिंग टाइम में काफ़ी अच्छा लगता है, लाइट वाइट ऑन हो जाता है तो, और भीड़ हो जाती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। अभी तो मॉर्निंग टाइम मतलब आफ्टरनून टाइम है तो कोई है नहीं ज़्यादा लोग, और धूप भी ज़्यादा है तो घूमने मज़ा नहीं आ रहा है। चलते हैं फिर जहाँ और दिखाने लायक होता दिखाते हैं, फिर मिलते हैं। और ये गोरखपुर का टूरिस्ट प्लेस, जो मतलब गोरखपुर का गोरखपुर गोरखनाथ के नाम से ही गोरखपुर का नाम यहाँ पड़ा इसी मंदिर के नाम से, और ये गोरखपुर का सबसे फेमस प्लेस। गोरखपुर आए और यहाँ ना आए तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ, तो गोरखपुर जो भी आएगा यहाँ पे आना मस्ट है। तो बने रही ब्लॉग में, ब्लॉग में देखिए और पूरा मैं प्रेस दिखाता हूँ जहाँ जहाँ जाना होता है। और मंदिर के जस्ट सामने नंदी जी बैठी हुई है, और कल छठ है तो छठ की तैयारी की वजह से लोग गोरखनाथ मंदिर में ये घाट के पास अपना अपना वो बना दिए हैं छठ करने के लिए, अपनी अपनी जगह पहले से बना के रखा है। देखिए आप लोग दिखाते हैं, कुछ लोगों ने अपना नाम वाम भी लिखा हुआ है इस पर, ये छठ के लिए तैयारी पहले से। पूरा पूरे ये जो घाट के पास जितना भी है, दूर दूर तक घाट से काफ़ी दूर दूर तक लोगों ने छठ का बना बना के रखा हुआ है। देखिए लाइनिंग है, वाइट लाइनिंग है, उसके अंदर ही बनाना है सबको। इधर सारा सारे लोग ने जिनको जिनको छठ करना है कल, सब लोग ने बना के रखा है अपना अपना वो पिंड मंदिर। यहाँ गोरखनाथ परिषद में ही है, यहीं पे होता है छठ मनता है पूरा गोरखनाथ मंदिर छठ माता के। ये पूरा घाट, यहाँ पे लाइटिंग शो भी चलता है रात रात में। ये जल्दी बना भी, जब योगी सीएम बने उसके बाद ये बना हुआ पूरा। यहाँ से व्यू देखिए, पूरा तालाब के पास से व्यू देखिए। यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ चार्जेज होते हैं, बट दोपहर में बोटिंग करने में मज़ा नहीं आएगा। इवनिंग टाइम कभी आइए तो यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं, दो तीन बोट हैं। अभी तो छठ की वजह से थोड़ा सा कम हो गया है, नहीं तो यहाँ पे भी बोटिंग चलता रहता है हमेशा। और ये 20 रुपये या 40 रुपये इसका चार्जेस है एक पर पर्सन के हिसाब से। और एक ये न्यू मंदिर बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरा हो जाएगा तो दिखाएंगे आप लोग को। और ये धर्मशाला और वगैरह है, यहाँ पे अपना इंगेजमेंट या कोई शादी का प्रोग्राम भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक दान की तरह है, आप दे सकते हैं दान। उधर उस साइड हॉस्पिटल साइड है गोरखनाथ का, और इधर सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं पानी
पूरा धर्मशाला स्थल है ये, देखिए लिखा हुआ है यात्री निवास, ये पूरा काफ़ी अच्छा बन गया बाहर से, गेट से निकलेंगे जब पीछे वाले गेट से तो ये है, लेकिन लोग आए भी हैं यहाँ पे, यहाँ पे कराई वराई जिसको चढ़ाना होता है या पूजा वूजा करना होता है या इंगेजमेंट प्रोग्राम या कोई प्रोग्राम करना होता है, ये सब सारा प्रोग्राम इसमें हो जाता है। इसमें बने हुए हैं कमरे और होटल टाइप का, मतलब थोड़ा सा है, अच्छा अच्छा है, यहाँ सारा व्यवस्था है, पानी की भी है, मंदिर परिसर का ये पूरा ये एरिया, और दिखाते हैं आपको, चलिए उधर शायद में इधर इस साइड टॉयलेट वॉयलेट भी है, पीछे के साइड गेट निकलेंगे जब धर्मशाला साइड से, तो इधर टॉयलेट वॉयलेट भी है अगर किसी को इमरजेंसी आ जाए तो। इधर पूरा दिखाने के लिए आपको खुले आए हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है उधर, पूरा सामने दिख रहा है वो पूरा। और ये गोरखनाथ मंदिर का हेल्प डेस्क, कोई भी गोरखनाथ मंदिर में आते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई जरूरत होती है, इमरजेंसी होती है, तो यहाँ हेल्प डेस्क पे आप संपर्क कर सकते हैं सीधा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इधर बहुत सारे खाने के भी स्टॉल हैं, कुछ खाना चाहें तो, और शॉप करने के लिए बच्चों के लिए खिलौने पर्स, मेरा टाइप का लग रहा था यहाँ पे हमेशा 365 days ऑलवेज। और ये पार्किंग स्थल है, पार्किंग मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, 10 रुपये पार्किंग का लगता है, ये देखिए मैंने टिकट लिया 10 रुपये पार्किंग का लगता है। तो जितना घुमाना था दिखाना था, जो 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 जहाँ जहाँ दिखाने लायक था वहाँ वहाँ दिखा दिया है, और यहीं करते हैं ब्लॉग को एंड, और ये गोरखनाथ ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और दूसरी ब्लॉग आज से ही दूसरा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करेंगे, दूसरी जगह जाते हैं तो। और तब तक के लिए बाय टाटा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं बाद में।